जिला बांदा ब्लॉक तिनवारी गांव छापर के सियाराम का आरोप है कि इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से समय पर पैसे न मिलने के कारण 21 नवंबर को मेरी पोती अंकिता की मौत हो गई। उसकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बैंक वालों से मिन्नतें की पर उसने एक न सुनी। समय पर इलाज न करा पाने के कारण उसकी मौत हो गई। तिंदवाड़ी थाना के एसओ रामचरण का कहना है कि अंकिता के परिवार वालों की तरफ से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। लड़की की उम्र क्या थी? 3 साल, 4 साल की हो गई, 3 साल। लड़की के बीमारी क्या थी? मेरी बीमार थी। बीमार होने के कारण मैं इलाज कराने के हेतु जो है 3 दिन से बच्चे को भेज रहा था धर्मेंद्र को। हमारे पास कोई जाली नोट, कोई पुराना नोट तो था नहीं, कोई बचत बैलेंस हो कोई था नहीं कि जिससे हम लेकर के मतलब जमा कर सके, इलाज करवा सके। बस वही जो बाहर से लड़का पैसा भेजा था 4,000, वही पैसा था खाते में और अभी पासबुक में अभी जमा नहीं है, खाते में जमा हो गया है। लड़के ने बताया फोन करके कि मेरा पैसा पहुंच गया है, आप उठा लाइए। वहाँ लाइन लगाए खड़ा था, 3 रोज हो गए, बराबर पैसा नहीं दिया बैंक मैनेजर ने। इसी कारण मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ना कोई मेरे पास कोई चारा था कि मैं उसका इलाज करा सकूं। कब से बीमार थे? एक हफ्ता हो गया। कारण पैसा के कारण इलाज कराओ के खातिर पैसा नहीं जाए तो लड़का ला आओ तो तैयारी बना के हम कहा जाम तो वही करा ला। तब इन लड़के कहला मैं जा तैयारी बना के तब जाता रहा। अब लड़का है तो हम रहा कहा जो मिल जाए पैसे तो आपका इलाज करेंगे। अब के इलाज नहीं, पैसे नहीं मिल पाओ, पैसे के कारण उनका भगा जाते रहे हैं। 3-4 रोज से चक्कर लगा रहा था इधर, और उसको जो है बैंक में हम लोग करा था, टोकन मांग रहा था कि टोकन दो तब पैसा मिलेगा। टोकन उसके पास था नहीं, वो नहीं बनवा पाया। पासबुक उसके पास उसकी जो है जमा हो गई। फिर इसके बाद जब टोकन मांग रहे थे कि नहीं पैसे दिए, तब वो मतलब लड़की वहाँ गंभीर मतलब ज़्यादा उसमें थी, मतलब तबीयत ज़्यादा खराब थी। फिर इसके बाद वो क्या किया कि उसका बाप जो है धर्मेंद्र का इधर लेके आ गया कि आधे घंटे इधर रुकी, आधे घंटे के बाद वो मतलब खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तब उसको लेके चले गए वो तिंदवाड़ी। जब मर गई बच्ची तो हमें जो है गुस्सा लगा, अपना पैसा है साला आदमी भी मर गया। तब हमने जो है ये केस किया। ऐसो तो बता रहा था कि दो आदमी की रिपोर्ट है, और ये बता रहे थे कि हम 3 आदमी की रिपोर्ट किया है। कौन? प्रधान? हाँ, तो तीनों लोग जो रहते हैं बैंक में पैसा ऐसा बांटने में, इनकी रिपोर्ट की गई है। इनकी लापरवाही से मैं बच्चे को पैसा नहीं मिला, इसी कारण जो है हम बगैर पैसे के कहाँ पे ले जाए। गवर्नमेंट अगर सुनेगी तो कोई बात नहीं, नहीं सुनेगी तो गरीब आदमी नहीं आवा।